नमस्कार, घर संसार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बतला रहे हैं कि देव मंदिर के बगल में या देवी मंदिर के बगल में आगे या पीछे घर बनाने से क्या प्रभाव पड़ता है। बंधुओं, देव या देवी मंदिर के बगल में, सबसे पहले देव मंदिर के बगल में चलते हैं। ब्रह्म देव मंदिर के बगल में, किसी भी बगल में घर बनाने से बुरा प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मदेव मंदिर की छाया अगर आपके घर पे पड़ेगी तो उससे आपका अनिष्ट कारक हमेशा होते रहेगा। तो ऐसा विचार किया गया है कि वास्तु रत्नाकर में ऐसा विचार दिया हुआ है कि ब्रह्म मंदिर के आगे या पीछे कभी भी 64 हाथ के बाधित गृह का निर्माण करना चाहिए। फिर विष्णु, सूर्य और शिव ये मंदिर के बगल में या सामने गृह का निर्माण नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर मंदिर से सटा हुआ अगर आपका घर है और उस पे छाया नहीं पड़ रही है, मंदिर की छाया अगर आप पे नहीं पड़ रही है तो किसी भी अनिष्ट से आपका सामना नहीं होगा। लेकिन अगर मंदिर, शिव मंदिर की, विष्णु मंदिर की या सूर्य मंदिर की छाया जो है आपके घर पे पड़ रहा है तो निश्चित रूप से ये अनिष्ट कारक होगा और आपको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो बंधुओं, ये शिव, विष्णु और सूर्य के मंदिर के बगल में आगे पीछे घर नहीं। भगवती माँ जगदम्बा के मंदिर के सामने, जगदम्बा माता के, माँ भवानी के सामने 64 हाथ तक गृह का निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवती का जो दिव्य नेत्र, जब उनके प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूजा होती है और तो दिव्य नेत्र जो उनका, दिव्य नेत्र का प्रभाव जो होता है 64 हाथ तक रहता है। तो कभी भी भगवती के मंदिर के सामने, देवी माता के सामने घर नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद और कहा गया है, काली स्वरूप जो भद्रकाली है माता, किसी भी भाग में, भद्रकाली या नारायणी रूप जो उनका है, कराल रूप जो है, उस उनके किसी भी भाग में गृह का निर्माण 64 हाथ के व्यास में, 64 हाथ की परिधि में गृह का निर्माण नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अनिष्ट होगा। उसमें भी एक विचार कहा गया कि मंदिर के घर, घंटा घर से अगर आवाज आपके गृह पे, आपके घर में सुनाई पड़ता है तो इससे आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी और एक पॉजिटिव एनर्जी जो है आप में प्रवाहित होगी। तो ये हमारा देव और भगवती के मंदिर, देव मंदिर के परिप्रेक्ष्य में है, चाहे आपका देव मंदिर के बगल में है या पूज्य स्थान जो भी है, जैन मंदिर है, फिर सनातन वेद मंदिर है या मस्जिद, तो उसके भी बगल का भी यही विधान है, क्योंकि उसमें भी अपने अपने परंपराओं के अनुसार आराध्य देव का ही पूजन होता है, आराध्य देव का ही मनन होता है, मस्जिद में भी आराध्य देव का ही मनन होता है। इसके लिए उनके बगल का भी प्रभाव और निष्प्रभाव से हम अछूते नहीं रह सकते हैं। तो बंधुओं, ये देव मंदिर और भगवती शक्ति की मंदिर के बगल अगल और चारों तरफ का विचार था। अगर आपकी, आप भी इस प्रकार की कुछ समस्याओं से पीड़ित हैं तो निश्चित रूप से कुछ वास्तु दोष जो है आप पर प्रभावी होगा और वास्तु दोष के निराकरण के लिए आपको तत्क्षण जो है वास्तु शास्त्रियों से विचार करना होगा और उसपे कुछ अलग प्रकार की जो है, अगर अलग प्रकार की आप पे कुछ विद्याएं लागू होगी और अलग प्रकार का कुछ जो है कर्मकांड उस पे चलेगा और उससे आप फिर उनके प्रभाव से आप बच सकते हैं। तो बंधुओं, अगर आपका भी वास्तु से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित या हस्तरेखा एवं कुंडली से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं होंगी तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारी संस्था को कमेंट में लिख भेजेंगे चैनल को। हमारी संस्था में बहुत सारे विद्वान पंडित बैठे हैं जो अलग अलग विभाग के, अलग अलग विभाग के जो हैं वो ज्ञाता हैं और अपनी विचार आपका, जो इस प्रकार की समस्या होगा उस पर विचार आपको, आप तक पहुँचाएंगे। बंधुओं, तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाना नहीं। लाइव में बात करने के लिए
चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।